जैसे कि हम फिलहाल डीपेस्ट डार्केस्ट क्रिप्टो विंटर सीजन में है, ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ से प्राइसेस जो है वो और कभी बढ़ेंगे ही नहीं। लेकिन यही दुख दर्द पीड़ा के समय में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर बिटकॉइन अपना बॉटम को एक बार हिट कर लेता है तो नेक्स्ट जो बुल रन होगा वो बिगेस्ट बुल रन स्टार्ट होगा। अब इन सब दुख दर्द के चक्कर में आप लोगों ने शायद क्रिप्टो का लास्ट फ्यू वीक्स का जो बिगेस्ट मैसिव डेवलपमेंट जो चल रहा है उनको शायद आप लोगों ने मिस कर दिया है। तो चलिए इस वीडियो में हम उन बेस्ट कुछ डेवलपमेंट्स को देखेंगे जो ओवरऑल वर्ल्ड में चल रहा है और देखेंगे कि नेक्स्ट बिगेस्ट बुल रन जो है वो कब और कितना बड़ा होगा। तो उम्मीद है आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक कर ही दिया होगा, अगर नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चार्ट को देखेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को नोटिस करेंगे। ये जो चार्ट आप फिलहाल स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे ये बेयर मार्केट और बुल मार्केट का चार्ट है, मतलब पूरा क्रिप्टो मार्केट का साइकिल्स का यहाँ पे चार्ट है। सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए ये जो सीजन है यहाँ पे मार्कर पे आप देख रहे होंगे, ये जो सीजन है ये बेयर मार्केट है, ये बेयर मार्केट था और ये बीच का ये जो लाइन है यहाँ पे या ये जो डेज है यहाँ पे ये हल्विंग का डेज है, मतलब इसका आसपास जो है यहाँ पे हल्विंग हुआ है और ये सभी बुल साइकिल्स है। तो सबसे पहला बुल साइकिल का अगर हम बात करें यहाँ से स्टार्ट हुआ है ब्लू लाइन को, अब देखिए फर्स्ट इरा फर्स्ट आप साइड में देख सकते हैं, तो यहाँ से जो है मार्केट स्टार्ट हुआ था क्रिप्टो मार्केट और यहाँ से बेयर मार्केट में था, फिर जाके यहाँ पे हल्विंग के बाद यहाँ से मार्केट ने एक अलग रूप दिखाया, अलग टर्न लिया, काफ़ी अच्छा सही बुल मार्केट रहा था। ये वो इरा था जब बिटकॉइन का प्राइस 0.001 डॉलर से जाके $1,000 का भी ऊपर टच किया था। तो अब जो नेक्स्ट इरा है वो यहाँ पे देख सकते हैं आप ऑरेंज कलर का है, तो ऑरेंज कलर का यहाँ पे बेयर मार्केट चल रहा था, उसके बाद बेयर मार्केट चलने के बाद यहाँ से जाके यहाँ से यहाँ पे हल्विंग का टाइम पे यहाँ पे सेंटिमेंट चेंज हुआ, उसके बाद जो है यहाँ से मार्केट ने थोड़ा ऊपर बुलिश मार्केट जो है वो शो किया। सेम नेक्स्ट लास्ट टाइम जो है ये जो ग्रीन कलर का जो लाइन है ये लास्ट टाइम का बुल मार्केट है, यहाँ से मार्केट देखिए कितना डाउन में था, सेंटीमेंट जो है वो पूरे डाउन में थे, मार्केट पे लोग जो है यहाँ पे होप आशा सब कुछ छोड़ चुके थे, यहाँ पे गया, फिर यहाँ पे जो हल्विंग का एक सीज़न था हल्विंग हुआ यहाँ पे, हल्विंग होने के बाद 2020 में यहाँ पे हल्विंग होने के बाद यहाँ के आसपास में यहाँ पे लोगों का सेंटीमेंट्स चेंज हुआ, यहाँ से हमको फिर से यहाँ पे ग्रीन कलर का बुल मार्केट देखने को मिला। अब सबसे बड़ा जो है यहाँ पे पंप हमने देखा है फर्स्ट बुल मार्केट में, सेकंड देखा है हमने ऑरेंज बुल मार्केट में, अब थर्ड जो है यहाँ पे ग्रीन बुल मार्केट में। अब जो यहाँ पे रेड कलर का जो लाइन आप देख रहे हैं यहाँ पे चल के आ रहा है वो ये मार्केट है, एट प्रेजेंट जो यहाँ पे बेयर मार्केट चल रहा है ये बेयर मार्केट है, यहाँ पे आके बेयर मार्केट जो यहाँ से कंसिस्टेंट कुछ दिन रहेगा और ये जो पोजीशन है इस पोजीशन पे लोगों का सेंटीमेंट्स चेंज होगा, सेंटीमेंट्स चेंज होने के बाद यहाँ से देख सकते हैं आप यहाँ पे हल्विंग है, डेज फ्रॉम हल्विंग यहाँ का आसपास यहाँ पे हल्विंग होगा, इसके बाद जो है मार्केट यहाँ से जो है ऊपर की तरफ पंप लेगा और ये जो पंप होगा ये बहुत ही बड़ा पंप होगा, बहुत ही बड़ा इस बेसिस पे हम बात कर रहे हैं क्योंकि ग्लोबल लेवल पे एडॉप्शन जो है काफ़ी तेज़ी से चल रहा है जो कि शायद आप लोगों को पता भी नहीं है। चलिए हम फिलहाल जाके उन एडॉप्शन को देख लेते हैं जिसके बेसिस पे आपको ये पता चलेगा कि आने वाला बुल रन जो है वो कितना बड़ा कितना धमाकेदार बुल रन जो है वो रहने वाला है। तो यहाँ पे हम आ चुके हैं इसराइल पे, इसराइल किक्स ऑफ लाइव टेस्ट फॉर टोकनाइज डिजिटल बॉन्ड, इसराइल जो है यहाँ पे टोकनाइज डिजिटल बॉन्ड पे यहाँ पे काम पे लग चुका है। इसराइल का मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और अवी स्टॉक एक्सचेंज जो है उन्होंने पायलट प्रोजेक्ट को क्वार्टर वन में 2023 का तो क्वार्टर वन में खत्म करने का बात जो है वो यहाँ पे कर दिया है। अब हम आ चुके हैं यहाँ पे ब्राजील पे, स्टेबल क्वाइन इशूअर टेथर टू मेक यूएसडीटी अवेलेबल एट 24,000 एटीएम्स इन ब्राज़ील, ब्राज़ील में 24,000 एटीएम्स पे यहाँ पे यूएसडीटी जो है वो अवेलेबल होने वाला है बहुत ही जल्द, तो ये एक बहुत बड़ा अपडेट है। अब यहाँ पे हम आ चुके हैं कजाकिस्तान में, कजाकिस्तान टू बिल्ड सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी ऑन बीएनबी चेन, बीएनबी चेन का ऊपर कजाकिस्तान जो है अपना सीबीडीसी जो है वो यहाँ पे बिल्ड करने वाला है। ऑफिशियल्स इन कजाकिस्तान कंटिन्यू देयर क्लोज रिलेशनशिप विद बाइनेंस एज द नेशन बैंक प्लान्स टू इंटीग्रेट इट्स सीबीडीसी ऑन द बीएनबी चेन। ये काफ़ी बड़ा एक न्यूज़ है, काफ़ी ह्यूज न्यूज़ है। अब हम आ चुके हैं यहाँ पे फिलीपींस पे, यूनियन बैंक ऑफ फिलीपींस लॉन्चेस बिटकॉइन एंड एथेरियम ट्रेडिंग, यूनियन बैंक जो है फिलीपींस का वो उन्होंने बिटकॉइन और इथेरियम ट्रेडिंग जो है वो चालू कर दिया है। यूनियन बैंक वन ऑफ द लार्जेस्ट यूनिवर्सल बैंक इन द फिलीपींस डेब्यूट्स क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग वाया पार्टनरशिप ऑफ ए स्विस क्रिप्टो फर्म। तो ये काफ़ी बड़ा एक न्यूज़ है, ये काफ़ी बड़ा एक अपडेट है।
अब हम आ चुके हैं यहाँ पे साइप्रस पे। बाइनेंस विंस रजिस्ट्रेशन एज क्रिप्टो एसेट सर्विस प्रोवाइडर इन साइप्रस। तो ये एक काफी बड़ा अपडेट है, बाइनेंस को यहाँ पे रजिस्ट्रेशन जो है वो मिल चुका है। अब हम आ चुके हैं यहाँ पे यूरोप पे। यूरोप 9 बिलियन डिजिटल बैंक एंड 26 लॉन्चेस क्रिप्टो ट्रेडिंग सर्विस एमिड बियर मार्केट। तो यहाँ पे बियर मार्केट का चलते हैं, यूरोप का जो है बैंक ने यहाँ पे लॉन्च कर दिया है क्रिप्टो ट्रेडिंग सर्विस। तो ये यूरोप की तरफ से काफ़ी बड़ा एक न्यूज़ है, काफ़ी बड़ा एक अपडेट है। अगर बियर मार्केट में ये सब चीज़ें चल रहा है तो आप ये अंदाज़ा लगा के देखिए बुल मार्केट में क्या जाने वाला है। तो अब हम आ चुके हैं यहाँ पे जापान पे। जापानीज बैंकिंग जायंट सब्सिडरी जो है वो यहाँ पे लॉन्च कर रहा है क्रिप्टो ट्रेडिंग इन 2023। तो वो अगर यहाँ पे 2023 का क्वार्टर वन पे अगर इसको लॉन्च करेंगे, क्रिप्टो ट्रेडिंग को लॉन्च करेंगे, तो ये काफ़ी बड़ा एक न्यूज़ है हमारे टोटल क्रिप्टो इकोसिस्टम के लिए। अब हम आ चुके हैं यहाँ पे यूएस पे, यूनाइटेड स्टेट्स पे। $4.5 trillion का एसेट मैनेजर फिडेलिटी जो है वो यहाँ पे ऑफर कर रहा है इथेरियम कस्टोडियल सर्विस को एंड ट्रेडिंग टू क्लाइंट्स को। तो ये चीज़ें जो है काफ़ी बड़ा एक अपडेट है हमारे लिए। अगर इतना बड़ा एसेट मैनेजमेंट कंपनी जो है वो यहाँ पे इस चीज़ को ऑफर कर रहा है तो ये काफ़ी बड़ा एक ह्यूज है क्रिप्टो मार्केट के लिए। और अगर हम कुछ अपडेट्स के बारे में बात करें, कुछ बड़े ऐसे इंटीग्रेशन के बारे में बात करें, तो यहाँ पे देख सकते हैं 500 बिलियन एसेट मैनेजर अपोलो लॉन्चेस बिटकॉइन कस्टडी फॉर इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट्स। बिटकॉइन का कस्टडी जो है वो यहाँ पे लाया है इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट्स के लिए अपोलो ने। तो ये एक काफ़ी बड़ा एक न्यूज़ है, काफ़ी बड़ा एक अपडेट है हमारे लिए क्रिप्टो मार्केट के लिए। अब अगर हम दूसरा और एक बड़ा एडॉप्शन के बारे में यहाँ पे बात करें तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे मास्टर कार्ड विल हेल्प बैंक्स ऑफर क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग। मास्टर कार्ड जो है वो बैंक्स को क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग प्रोवाइड करने के लिए हेल्प करेगा, इसके लिए यहाँ पे मास्टर कार्ड की तरफ से यहाँ पे अपडेट है। तो ये काफ़ी बड़ा एक न्यूज़ है। अगर हम नेक्स्ट और एक एडॉप्शन के बारे में बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं वीज़ा जो है पेमेंट का गेटवे है, तो वीज़ा ने यहाँ पे ट्रेडमार्क जो है एक फाइल किया है। किसका? क्रिप्टो वॉलेट का यहाँ पे ट्रेडमार्क जो है वो फाइल किया है। वीज़ा ट्रेडमार्क फीलिंग्स हिंट्स एट लॉन्च ऑफ क्रिप्टो वॉलेट। तो ये एक बहुत ही बड़ा अपडेट है, बहुत ही बड़ा एडॉप्शन है। अब अगर हम बात करें और कुछ अपडेट्स के बारे में तो यहाँ पे और भी धमाकेदार कुछ अपडेट है। शेल ऑयल कंपनी जो है वो यहाँ पे बिटकॉइन का 2023 में बिटकॉइन का इवेंट जो होने वाला है उसको यहाँ पे ऑर्गेनाइज करेगा शेल ऑयल कंपनी। और शेल ऑयल कंपनी जो है वो यहाँ पे ला रहा है बिटकॉइन सॉल्यूशन जो है ला रहा है, मतलब बिटकॉइन माइनिंग के लिए यहाँ पे सॉल्यूशन प्रोवाइड करेगा आने वाला टाइम में। तो ये भी एक बहुत ही बड़ा एडॉप्शन की तरफ एक न्यूज़ है। अब अगर हम बात करें और भी एक बहुत ही बड़ा अपडेट्स के बारे में तो यहाँ पे देख सकते हैं गूगल लॉन्चेस क्लाउड नोड इंजन फॉर इथेरियम डेवलपर्स। गूगल वॉन्ट्स टू बिकम की इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर फॉर वेब थ्री। तो ये एक बहुत ही तगड़ा न्यूज़ है भाई। गूगल की तरफ से अगर कोई भी ऐसा न्यूज़ आता है वो भी क्रिप्टो का रिगार्डिंग, तो वो काफ़ी बड़ा न्यूज़ होता है, काफ़ी ह्यूज होता है क्रिप्टो का एडॉप्शन को लेके। अब अगर हम बात करें और एक यहाँ पे न्यूज़ का, तो यहाँ पे देख सकते हैं बाइनेंस गेट्स अबू धाबी रेगुलेटर नोड टू ऑफर क्रिप्टो कस्टडी सर्विस। तो बाइनेंस को यहाँ पे रेगुलेटर नोड जो है वो यहाँ पे मिल गया कस्टडी सर्विस के लिए अबू धाबी में। और अगर सेम ही उसी इसी का रिलेटेड और एक अपडेट्स के बारे में यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं बाइनेंस रिसीव्स FSP लाइसेंस इन अबू धाबी एमिड FTX फिस्को। तो FTX का ये सब भसड़ मचने के बावजूद भी यहाँ पे बाइनेंस जो है और भी तरक्की कर रहा है इस फील्ड में। अबू धाबी में बाइनेंस का यहाँ पे FSP लाइसेंस वो मिल चुका है। तो ये एक मतलब ह्यूज अडॉप्शन था, ये ह्यूज चीज़ें था क्रिप्टो करेंसीज को लेके मार्केट में, ओवरऑल मार्केट पे। तो इन्हीं चीज़ों का बेसिस पे हम बात कर रहे हैं कि आने वाला बुल रन जो है बहुत ही तगड़ा रहने वाला है, क्योंकि ऐसा कुछ चीज़ें जो है पिछले जितना भी बुल रन हुआ है उनमें ऐसा कुछ चीज़ें जो है वो था नहीं। अभी ऐसा हुआ है, इसीलिए जो मैंने चार्ट दिखाया है उसमें भी आपने देखा है कि ये चीज़ों जो है कितना चीज़ें ये चीज़ें जो है शो करता है आने वाला टाइम में जो है किस लेवल पे जाएगा, किस लेवल पे जाके एडॉप्शन जो है क्रिप्टो एडॉप्शन जो है वो किस लेवल जाके रहेगा। अगर हम इसको फिर से चार्ट को फिर से देखना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम चार्ट को देखें तो यहाँ पे देख सकते हैं जो नेक्स्ट यहाँ से अगर बुल रन का अगर हम बात करें, यहाँ से जो टर्न लेगा, यहाँ से टर्न लेने के बाद यहाँ पे सेंटीमेंट जो चेंज होगा, इसके बाद यहाँ पे जो हल्विंग डेज है यहाँ पे सेंटीमेंट इसका आसपास ही यहाँ पे सेंटीमेंट जो है वो चेंज होगा, उसके बाद एक बहुत ही बड़ा बुल रन जो है वो लेने वाला है। ये रेड कलर का जो लाइन दिख रहा है आपको। तो ये था मेरा आज का वीडियो, उम्मीद करता हूँ इससे मैं कुछ चीज़ें जो है वो आपको समझा पाया। क्रिप्टो मार्केट का वन ऑफ द बिगेस्ट बुल रन जो है बुल रैली आने वाला है, बस हमारा सामने ही है। तो इसीलिए अभी तक अगर आप लोगों ने पेशेंस करके मार्केट में रहे हैं तो प्लीज़ आगे भी रहिए, मार्केट जो है आपको अच्छा खासा रिटर्न बना के देगा। उम्मीद करता हूँ ये जो चीज़ें मैंने बताया, जो चीज़ें समझाने का कोशिश किया वो आपको समझ में आया। अगर आपको
अब भी कोई कंफ्यूजन है, कोई भी डाउट है, प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई दैट। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी दबाना मत भूलिएगा, ऑल पे क्लिक कर देना नोटिफिकेशन बेल को। और हमारे टेलीग्राम के चैनल का लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर हमारे टेलीग्राम चैनल जो है वो ज्वाइन कर लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट अपडेट्स जो है वो इंस्टेंटली हम वहाँ पे प्रोवाइड करते रहते हैं। तो चलिए लेते हैं आपसे विदा, मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू। We'll be right back.